मुझे फुटबॉल खेलते हुए 2 साल हो गए हैं, यानी कि मैं 2 साल से फुटबॉल खेल रहा हूं। मुझे फुटबॉल खेले हुए 2 साल हो गए हैं, यानी कि मैंने 2 साल से फुटबॉल नहीं खेला है। लास्ट टाइम मैंने 2 साल पहले फुटबॉल खेला था। यही तो सेंस है। अब आप देख सकते हैं, खेलते और खेले केवल एक वर्ड, केवल एक शब्द के फर्क से पूरे सेंटेंस का मतलब ही बदल गया। ठीक इसी तरह से जब इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाया जाएगा तो बस एक दो वर्ड्स को अगर आप सही से प्लेस कर देंगे तो आप सेंटेंसेस को बिल्कुल सही सेंस में बना लेंगे, वरना आपसे मिस्टेक हो जाएगी। आज के इस वीडियो में हम इट के कॉन्सेप्ट को पढ़ने वाले हैं। गाइस, इट का यूज 5 अलग अलग कॉन्सेप्ट्स में होता है, 5 कॉन्सेप्ट्स। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट, इट और दिस के बीच का फर्क। जहां जहां पे आप इट का यूज कर सकते हैं सब्जेक्ट में, वहां वहां पर आप दिस का यूज कर सकते हैं। यानी इट और दिस दोनों का यूज लिविंग बीइंग और नॉन लिविंग, यानी सजीव और निर्जीव दोनों के साथ किया जा सकता है। एग्जाम्पल देखिए, ये एक पेन है, दिस इज अ पेन, या फिर आप कह सकते हैं इट इज अ पेन। ये मेरा दोस्त राकेश है, दिस इज माई फ्रेंड राकेश, या फिर आप कह सकते हैं इट इज माई फ्रेंड राकेश। आप देख सकते हैं कि चाहे बात पेन की हो जो कि निर्जीव वस्तु है, या फिर राकेश की हो जो कि एक लिविंग बीइंग है, सजीव है, जो दोनों के केस में दिस और इट दोनों में से किसी का भी यूज करा जा सकता है। मान लीजिए दरवाजे पे कोई आया, आप पूछते हैं कौन है, या फिर जैसे फोन पे भी आप किसी से पूछते हैं, आपके पास एक कॉल आई, नंबर आपके फोन पे सेव नहीं है और आप कहते हैं कौन है, तो ऐसे में हु इज दिस या हु इज इट दोनों में से, दिस या इट दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। और दूसरी तरफ से आवाज आती है मैं हूं आदित्य, ऐसे में वो कह सकता है दिस इज मी आदित्य या फिर इट्स मी आदित्य। कॉन्सेप्ट नंबर 2 की बात करते हैं, किसी भी डे या डेट के साथ में आप इट का यूज करते हैं, और ध्यान रखें इट का यूज सब्जेक्ट में ही किया जाता है। ऐसे में आज मेरा जन्मदिन है, जन्मदिन यानी कि बर्थडे, ये भी एक डे है, टुडे इज माय बर्थडे, इस तरह से तो आपने अक्सर सुना होगा। लेकिन इट का यूज सब्जेक्ट में किया जा सकता है, टुडे की जगह पे इट का यूज कर लें और उसके बाद टुडे सेंटेंस के एंड में लगा दें, इट्स माय बर्थडे टुडे, कल छुट्टी होगी, टुमारो विल बी हॉलीडे, ये तो आप बोल ही सकते हैं। लेकिन इट का यूज सब्जेक्ट में अगर आप करें तो किस तरह से बोल सकते हैं, जो कि प्रोफेशनल तरीका है, नेटिव स्पीकर्स का तरीका है, इट विल बी हॉलीडे टुमारो। आज 26 मई 2021 है, टुडे इज 26 मई 2021, या फिर इट के साथ में इट्स 26 मई 2021 टुडे। इट का कॉन्सेप्ट नंबर 3, समय हो गया है, यानी कि समय हो चुका है, इसके लिए हम इट को सब्जेक्ट में और हैज बीन उसके बाद जो वर्ब फॉर्म आप यूज करते हैं हैज बीन का यूज करते हैं, इट हैज बीन। और जब भी किसी सेंटेंस में आए समय हो गया था, ये समय हो चुका था, ऐसे में इट हैड बीन। जैसे एक सेंटेंस है 2 दिन हो गए हैं, 2 दिन हो गए हैं, तो यहां पर 2 दिन, यही तो है ना समय, समय हो गया है। मैं इसे ऐसे भी कह सकता हूं 2 महीने हो गए, 2 साल हो गए, 2 घंटे हो गए, 2 मिनट हो गए, 2 सेकंड हो गए। इन सभी सेंटेंसेस में आपको इट का यूज सब्जेक्ट में और हैज बीन का यूज करेंगे, क्योंकि प्रेजेंट में है सेंटेंस, इट हैज बीन 2 डेज। अगर ये सेंटेंस पास्ट में होता 2 दिन हो गए थे, इट हैड बीन 2 डेज। इसी तरह से अगर मैं कहूं कई साल हो चुके हैं, यहां पर समय क्या है, कई साल, इट हैज बीन मैनी ईयर्स, कई साल हो चुके थे, इट हैड बीन मैनी ईयर्स। अच्छा अब देखिए, मुझे 2 दिन हो गए हैं, पहले मैंने आपको बताया 2 दिन हो गए हैं, इसके लिए तो आप सिंपली कहते हैं इट हैज बीन 2 डेज। लेकिन जैसे ही आया मुझे, तो मुझे के लिए आप क्या यूज करें, इसको आपको समझना होगा, प्रैक्टिस से समझेंगे आप। तो यहां पर आपको करना क्या है, ऑब्जेक्टिव पार्ट में आप लगा देंगे टू मी, इट हैज बीन 2 डेज टू मी। अगर होता उसे 2 दिन हो गए तो क्या कहेंगे, इट हैज बीन 2 डेज टू हिम, रवि को 2 दिन हो गए, इट्स बीन 2 डेज टू रवि। अब इस सेंटेंस में एक चीज ऐड कर लेते हैं, क्या करते हुए, समय हो गया है या समय हो गया था, क्या करते हुए, खेलते हुए, सोते हुए, पढ़ते हुए, सोचते हुए, तो खेलते हुए के लिए प्लेइंग, सोते हुए के लिए स्लीपिंग, पढ़ते हुए के लिए स्टडिंग, सोचते हुए के लिए थिंकिंग, यानी जिस भी काम को करते हुए बस उस वर्ब के साथ में आईएनजी का आपको यूज कर लेना है, ये आपको ध्यान रखना है।
और क्या किए हुए, अगर सेंटेंस में ऐसा हो क्या किए हुए, अभी मैं आपको एग्जांपल दूंगा आप घबराइए मत, तो क्या किए हुए जैसे गए हुए, तो ऐसे में आपको क्या करना है, हैविंग गॉन, हैविंग का यूज कर लेना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। देखे हुए हैविंग सीन, मिले हुए हैविंग मेट, खाए हुए हैविंग ईटन। एग्जांपल देख लेते हैं, मुझे खेलते हुए 2 साल हो गए हैं। अब सबसे पहले तो मैंने आपको सिखाया 2 साल हो गए हैं, इसको तो आपको कहना है इट हैज बीन 2 ईयर्स, मुझे 2 साल हो गए टू मी। अब खेलते हुए, मैंने आपको क्या कहा, खेलते हुए, किसी काम को करते हुए तो उस वर्ब के साथ में आईएनजी लगा दो, खेलने को प्ले कहते हैं, प्ले के साथ आईएनजी, प्लेइंग, इट्स बीन 2 ईयर्स टू मी प्लेइंग। अच्छा यही सेंटेंस अगर इस तरह से हो, मुझे खेले हुए 2 साल हो गए, तो देखिए 2 साल हो गए हैं, इट हैज बीन 2 ईयर्स, मुझे टू मी, खेले हुए किसी काम को किए हुए हैविंग प्लेड। आपने देखा कितना बारीक फर्क है, खेलते बोला तो प्लेइंग और खेले हुए बोला तो हैविंग प्लेड। ठीक इसी तरह से देखिए 2 सेंटेंस और लेते हैं, हमें लड़ते हुए काफी वक्त हो चुका था, या फिर हमें लड़े हुए काफी वक्त हो चुका था, काफी वक्त हो चुका था, पहले तो इसे बना लेते हैं, इट हैड बीन अ लॉन्ग, हमें टू अस। यहां तक तो दोनों सेंटेंस बिल्कुल सेम है, लेकिन जब कहा लड़ते हुए फाइटिंग और जब कहा लड़े हुए हैविंग फॉट। कॉन्सेप्ट नंबर 4, समय लगता है, इसके लिए इट टेक्स, समय लगा, इट टुक क्योंकि ये पास्ट में हो गया, समय लगेगा ये फ्यूचर है, इट विल टेक। यानी जब भी हम किसी सेंटेंस में समय लगने की बात करें तो सब्जेक्ट में इट का यूज और वर्ब वहां पर होगी टेक। अब टेक की कौन सी फॉर्म यूज होगी वो तो डिपेंड करता है कि सेंटेंस प्रेजेंट में है, पास्ट में है, या फिर फ्यूचर में। अगर प्रेजेंट में है तो टेक्स, पास्ट में है तो टुक, और फ्यूचर में है तो विल टेक। एग्जांपल देखते हैं, 2 मिनट लगते हैं, इट टेक्स 2 मिनट्स, 2 मिनट लगे, इट टुक 2 मिनट्स, 2 मिनट लगेंगे फ्यूचर में, इट विल टेक 2 मिनट्स। अब यहां पर अगर मैं मुझे ऐड कर लूं सेंटेंस की शुरुआत में, मुझे 2 मिनट लगते हैं, या मुझे 2 मिनट लगे, या मुझे 2 मिनट लगेंगे, तो इस सेंटेंस को बना सकते हैं इट टेक्स 2 मिनट्स टू मी, या फिर इट टेक्स मी 2 मिनट्स। दोनों तरीके से देखिए, ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, मुझे 2 मिनट लगे, इट टुक मी 2 मिनट्स, या फिर इट टुक 2 मिनट्स टू मी, मुझे 2 मिनट लगेंगे, इट विल टेक मी 2 मिनट्स, या फिर इट विल टेक 2 मिनट्स टू मी। इसी तरह से अगर मैं कहूं उसे 2 मिनट लगे, इट टुक हिम 2 मिनट्स, अयांश को 2 मिनट लगेंगे, इट विल टेक अयांश 2 मिनट्स। अच्छा अब थोड़ा सा और ऐड कर देता हूं इस सेंटेंस में, मुझे खाना खाने में 2 मिनट लगते हैं, तो देखिए पहले तो बनाया मुझे 2 मिनट लगते हैं, इट टेक्स मी 2 मिनट्स, क्या करने में, खाना खाने में, टू ईट द फूड। उसे घर पहुंचने में 2 मिनट लगे, उसे 2 मिनट लगे, पहले तो इसको बनाओ इट टुक हिम 2 मिनट्स, घर पहुंचने में, टू रीच होम। अयांश को होमवर्क पूरा करने में 2 मिनट लगेंगे, इट विल टेक अयांश 2 मिनट्स टू फिनिश द होमवर्क। अब हम बात कर लेते हैं इट के 5वें कॉन्सेप्ट की, जहां पर बारिश होना या ओले पड़ना की बात होती है। बारिश होना जिसे हम रेन कहते हैं और ओले पड़ना जिसे हम हेल कहते हैं। रेन और हेल दोनों ही वर्ब्स हैं और दोनों की 3 फॉर्म्स क्या होती है, रेन रेन्ड रेन्ड, हेल हेल्ड हेल्ड। अब सेंटेंस देखिए, आज बारिश होगी, इट विल रेन टुडे, आज बारिश हो रही है, इट इज रेनिंग टुडे। आप देख रहे हैं इन सेंटेंसेस में इट का यूज किसकी तरह हो रहा है, सब्जेक्ट की तरह। हमेशा ध्यान रखें जब भी किसी सेंटेंस में बारिश होना या ओले पड़ना की बात हो, ऐसे में इट का यूज सब्जेक्ट की तरह होगा। दिल्ली में ओले पड़ रहे हैं, इट्स हेलिंग इन दिल्ली। देहरादून में बारिश हो रही है, इट्स रेनिंग इन देहरादून। देहरादून में बारिश बहुत होती है, इट रेन्स अ लॉट इन देहरादून। दिल्ली में बारिश नहीं होती है, इट डज नॉट रेन इन दिल्ली। तो आप देख रहे हैं हर जगह पे रेन या हेल जो वर्ब्स हैं उनके साथ में जो सब्जेक्ट है वो क्या है, इट। अब मैं रखता हूं आपके सामने 5 सेंटेंसेस, इन 5 सेंटेंसेस को आपको बना करके इनको ट्रांसलेट करना है आपको इंग्लिश में, और इनको इस वीडियो के कमेंट्स में आपको जरूर लिखना है, ये आपका होमवर्क है।
और आप में से जितने भी स्टूडेंट्स के पास मेरी इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की बुक नहीं है वो मेरे स्पोकन इंग्लिश गुरु हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं 8448443310 पर, और कैश ऑन डिलीवरी पर भी बुक का ऑर्डर कर सकते हैं या फिर वो वेबसाइट से भी ऑर्डर कर सकते हैं। वेबसाइट एड्रेस है www.spokenenglish.guru। मुझे उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इट के सभी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। आप जरूर कमेंट्स में बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि देश के छोटे से छोटे गांव के स्टूडेंट्स तक इन वीडियोस को मैं पहुंचा सकूं और उन्हें भी इंग्लिश में सक्षम बना सकूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टेक केयर, गुड बाय।